नमस्कार, बीएनएन टाइम्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटंगी नगर परिषद के कार्यों में आ रही भ्रष्टाचार की बू, अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं अपनी मनमानी। नगर परिषद कटंगी में जनप्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल पूर्ण होते ही कोरोना का कहर बढ़ने के कारण नगर पालिका के चुनाव इस समय अवधि आगे बढ़ाई गई है। साथ ही नगर परिषद की बागडोर प्रशासक एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी के हाथों में सौंप दी गई, जिसके बाद नगर की जनता को अधिकारियों से कुछ अच्छी कार्य प्रणाली की अपेक्षा थी, मगर अधिकारियों की मनमानी देखते हुए आम जनता को अधिकारियों के 1 साल के कार्यकाल को देखते हुए ही निराशा ही हाथ लगी। बता दें कि जनप्रतिनिधियों को आम जनता कहीं भी रोककर अपनी समस्या बता दिया करती थी और जनप्रतिनिधि उसे देर से ही सही मगर समस्या का निराकरण जरूर करा दिया करते थे, मगर मोटी तनख्वाह लेने वाले अधिकारियों की वह अब इतनी हो गई है कि आम जनता की समस्या उसे लगता है जी उनका कोई सरकार ही नहीं। वहीं इन्हीं की कुछ सप्लायर से सांठगांठ होने पर मोटा कमीशन के कारण सिर्फ खरीदी में ही इनका पूरा ध्यान आकर्षण है। जैसे कि प्लास्टिक गलाने की मशीन की खरीदी तो पहले हो गई, लेकिन आज तक प्लास्टिक छटाई का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। वैसे ही आवारा पशु पकड़ने के लिए वाहन की खरीदी तो जरूर हो गई, लेकिन कांजी हाउस की व्यवस्था बस से बदतर नजर आ रही है और आवारा पशु पकड़ने की गाड़ी का शायद आज तक एक बार भी उपयोग नहीं किया गया, मगर वहाँ खड़े खड़े ही सड़ने की कगार में आ गई है। इसी तरह कुछ हाल गडर टैंक साफ करने की मशीनों की है, जहाँ एक मशीन चलाने के लिए पर्याप्त टीम नहीं है, वहीं दो अन्य मशीनें और बुलाकर सड़ने के लिए कबाड़े में खड़ी कर दी गई। शहर में मच्छरों के आतंक से आम जनता रोजाना सामना करती है। वहीं नगर पालिका ने फार्मिंग मशीन तो खरीदी कर ली, मगर उनका उपयोग नहीं कर पा रही है। यही सब देखकर आम जनता को लगने लगा है कि प्रशासक पर बैठते ही अधिकारी सिर्फ अपनी कमाई की ओर तीव्रता से अग्रसर है। जनता की सुध लेने वाले अब नगर परिषद कार्यालय में कोई नहीं है। यह सब देखकर जनता खुद को ठगा सा महसूस करने लगी है।